तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कुछ फिल्में हैं जो ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी प्यार पाते हैं और साथ में बढ़िया रेटिंग भी मिलते हैं। और दोस्तों आज मैं ऐसे ही टॉलीवुड एक्टर का टॉप रेटेड फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ। और जहाँ पर स्टार स्टार अल्लू अर्जुन से शुरू करके निखिल सिद्धार्थ भी शामिल है। दोस्तों अगर आप तेलुगु फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 19 अखिल अक्किनेनी का फिल्म हेलो। और ये 2007 का रोमांटिक फिल्म रहा और इसमें अखिल के साथ कल्याणी लीड रोल में नजर आई है और जहाँ पर अविनाश और उनका चाइल्डहुड फ्रेंड प्रिया के बीच में प्यार को दिखाई गई है। और ये फिल्म अखिल का कैरियर में सबसे हाई रेटेड फिल्म रहा जिसका IMDb रेटिंग मिला है 7.2 आउट ऑफ 10 और जिसका टोटल वोट मिला है 1.6 के। नंबर 18 राम पोथिनी का फिल्म रेडी। ये 2008 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें राम के साथ चेरी लिया लीड रोल में है और इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट चांदू और पूजा के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। और ये फिल्म एनर्जेटिक स्टार राम का कैरियर में सबसे हाई रेटेड फिल्म रहा और साथ में ये फिल्म 2008 का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म है और जिसका IMDb रेटिंग मिला है 7.2 और टोटल वोट मिला है 1.1 के। नंबर 17 साई धर्म तेज का फिल्म चित्रा लहाड़ी। और ये 2019 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें धर्म के साथ कल्याणी लीड रोल में है। इसमें एक ऐप डेवलपर विजय को उसका गर्लफ्रेंड हर वक्त गलत समझती है और उसी से अलग हो जाते हैं, पर बाद में दोनों ने कैसे एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं वही इसमें दिखाई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.2 और टोटल वोट मिला है 1.6 के। नंबर 16 नितिन का फिल्म साई। ये 2004 का स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है और इसमें नितिन के साथ चेनी लिया लीड रोल में है और इसमें दोनों रग्बी प्लेयर ने मिलकर कैसे माफिया लीडर के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई है। और नितिन का कैरियर में हाई रेटेड फिल्म का रेटिंग रहा 7.4 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को टोटल 2 के वोट मिला है। नंबर 15 जूनियर एनटीआर का फिल्म अरविंद समिथा। और 2018 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और जो इसमें जूनियर एनटीआर पूजा हेगड़े लीड रोल में है और इसमें एक यंग लड़का कैसे अपने पावरफुल फैमिली का वायलेंस को फुल स्टॉप देने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और इसमें एनटीआर का काफी अलग एक्शन अफ्तर नजर आई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 और इसका टोटल वोट मिला है 6.8 के। नंबर 14 द मस्त महाराजा रवि तेजा का फिल्म किक। ये 2009 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें कल्याण कैसे हर वक्त नए एडवेंचर करने में बिजी रहते हुए इसमें दिखाई है और रवि तेजा का कैरियर का सबसे हाई रेटेड फिल्म उसी साल का थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी था और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.8 आउट ऑफ 10 और इसमें को टोटल 4 के वोट मिला है। नंबर 13 निखिल सिद्धार्थ का फिल्म हैप्पी डेज। ये 2007 का म्यूजिकल कमिंग ऑफ एज फिल्म है और इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ फ्रेंड ने मिलकर कैसे लाइफ का कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल करते हैं वही इसमें दिखाई है और ये फिल्म यंग जनरेशन के बीच में काफी पॉपुलर फिल्म था। इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.9 और टोटल वोट मिला है 4.5 के। नंबर 12 वरुण तेज का फिल्म कांचे। ये 2015 का हिस्ट्रिकल वॉर फिल्म है और इसका स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी फोर्स से जुड़ा कर दिखाई है और ये तेलुगु इंडस्ट्री का फर्स्ट फिल्म है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टोरी को नजर आई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.9 और टोटल वोट मिला है 2.8 के। नंबर 11 नगा चैतन्य का फिल्म मनाम। ये 2014 का फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इसमें अक्किनेनी नागार्जुन से शुरू करके नगा चैतन्य नगेश्वर राव समंता लीड रोल में है और इसमें बिट्टू का अपनी फैमिली के साथ एक कहानी को काफी ड्रामेटिक वे से दिखाई है और जिसका IMDb रेटिंग मिला है 8 आउट ऑफ 10 और टोटल वोट मिला है 9.8 के। नंबर 10 स्टार स्टार अल्लू अर्जुन का फिल्म वेदम। ये 2010 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें एक हॉस्पिटल में कैसे कुछ लोगों ने टेररिस्ट अटैक का सामना करते हुए इसमें दिखाई है और इस फिल्म को बाद में तमिल भाषा में भी रिमेक बनाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 8.1 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को टोटल वोट मिला है 6.8 के। नंबर 9 पवन कल्याण का फिल्म थोली प्रेमा। ये 1998 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें बालू और अनु के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 8.2 आउट ऑफ 10 और टोटल वोट मिला है 3.3 के। नंबर 8 बिल्लम कोना श्रीनिवास का फिल्म राक्षसुरु। ये 2019 का साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इसमें एक इंस्पेक्टर कैसे सीरियल किलर के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई है और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 8.2 आउट ऑफ 10 और टोटल वोट मिला है 990।
नंबर 7 रेबल स्टार प्रभास का फिल्म बाहुबली 2। आज आप सभी लोग जानते हैं कि 2007 का एपिक एक्शन फिल्म है और इसमें बाहुबली की स्टोरी को कंटिन्यू करके दिखाई है और इसी इंडस्ट्री हिट फिल्म प्रभास का कैरियर में सबसे हाई रेटेड वाला फिल्म रहा, जिसका IMDb रेटिंग मिला है 8.2 out of 10 और इसमें को टोटल 74 के वोट मिला है। नंबर 6 विजय देवरकोंडा का फिल्म पिल्ली चोपुलू। ये 2016 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें कैफी लड़का जब एक एम्बिशियस लड़की से मिलता है तब कैसे उसका लाइफ फुली चेंज हो जाता है वह इसमें दिखाई है और यह फिल्म विजय का कैरियर में सबसे हाई रेटेड फिल्म रहा, जिसका IMDb रेटिंग मिला है 8.2 out of 10 और टोटल वोट मिला है 5.6 के। नंबर 5 प्रिंस महेश बाबू का फिल्म अथाडू। ये 2005 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें प्रोफेशनल किलर और पॉलिटिशियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और जो फिल्म 2005 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म रहा और जो फिल्म 175 डेज तक सक्सेसफुली रन किया था और बाद में इसी फिल्म को कल्ट क्लासिक स्टेटस मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 8.2 out of 10 और इस फिल्म को टोटल 11.8 के वोट मिला है। नंबर 4 आदि विशेष का फिल्म शनम। ये 2016 का मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इसमें ऋषि ने कैसे इंडिया वापस आकर अपने एक्स गर्लफ्रेंड की किडनैप्ड हुए बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और इसमें आदिविका काफी अलग एक्टर नजर आई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 8.3 out of 10 और टोटल वोट मिला है 4.4 के। नंबर 3 मेगा पावर स्टार रामचरण का फिल्म रंगस्थलम। ये 2018 का प्योर एक्शन फिल्म है और इसका स्टोरी 1980 का रंगस्थलम का पर बेस्ड है और इसी इंडस्ट्री हिट फिल्म का IMDb रेटिंग मिला है 8.4 out of 10 और इसको टोटल वोट मिला है 18.3 के। नंबर 2 मेगा स्टार चिरंजीवी का फिल्म रुद्रवीणा। ये 1988 का म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है और इसमें ग्रेट म्यूजिशियन सूर्यम कैसे सोसाइटी को चेंज करने के लिए कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और इसमें चिरंजीवी का काफी अलग एक्टर नजर आई है जो पर इसका IMDb रेटिंग मिला है 8.5 out of 10 और इसको टोटल वोट मिला है 1.7 के। नंबर 1 नेचुरल स्टार नानी का फिल्म जर्सी। ये 2019 का स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इसमें टैलेंटेड पर फेलियर क्रिकेटर का लाइफ को दिखाई है और इसमें नानी का एक्टिंग स्किल का हर कोई तारीफ की है और जर्सी को वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल फिल्म भी माना जाता है और नानी का कैरियर में सबसे हाई रेटेड फिल्म का IMDb रेटिंग मिला है 8.5 out of 10 और इस फिल्म को टोटल 7.6 का वोट मिला है। तो दोस्तों ये रहा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का सारे एक्टर का कैरियर में सबसे टॉप रेटेड फिल्मों के बारे में और सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपका फेवरेट है कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सबके बॉलीवुड साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।